Now let's start discussing 7th-10th problem. A piece of uniform string hangs vertically so that this is a uniform string. It hangs vertically so that its free end just touches horizontal table. Its free end just touches horizontal table. If now upper end of the string is released, now the upper end is released, so that at any instant during the fall of a string, the total force on the surface is 3 times the weight of the part of the string lying on the surface. In fact, now this is a problem over variable mass system. Newton's law par yaha problem hai. Let us say mass of a string is m and its length is l. The total length is l, mass is m. Now, when this string is released after time t, jab is a string ko release kara, to this is the original position. यह स्ट्रिंग कुछ एक्स लेंथ से गिर जाएगी और एक्स लेंथ की जो स्ट्रिंग है वह इधर एक हीप के रूप में दिखाई देने लगेगी. एक्स लेंथ की यह स्ट्रिंग गिर चुकी है. एक्स लेंथ की यह स्ट्रिंग गिर चुकी है और अब हवा में जो लटक रही है वह l माइनस एक्स और अब सबसे पहले यह जो मास है जो टेबल पर इकट्ठा हो चुका है, दिस मास इज m बाय l इनटू एक्स. दिस इज द मास लाइंग ऑन द टेबल. अब द टोटल फोर्स इज गिवन बाय डीपी बाय डीटी और डी बाय डीटी ऑफ एमवी और इट्स एम डीवी बाय डीटी प्लस वी dm by dt. This is for variable mass system. मैं इधर लिख देता हूं. For mass variable system, हम न्यूटन्स लॉ हमेशा इस तरह से लिखते हैं क्योंकि फोर्स मास वेरिएशन की वजह से भी लगता है. हम इधर देखें, इधर मास कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है. अब हम कहते हैं जब इस स्ट्रिंग को हमने रिलीज करा तो ये स्ट्रिंग गिर क्यों रही है? ग्रेविटी की वजह से. और मैं कहता हूं इट्स फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. इट्स फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. तो इसमें जो dv by dt है दैट इज इक्वल टू g. dv by dt इज g सिंस इट्स फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. अब इस चेन का मास मैं कैपिटल m लिख देता हूं. इस चेन का मास मैं कैपिटल m लिख देता हूं. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. और इस मास को मैं कैपिटल एम बाय एल इनटू. मैं कैपिटल एम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि स्मॉल एम मैं इस इक्वेशन में इस्तेमाल कर रहा हूं. स्मॉल एम इज द मास लाइंग ऑन द टेबल. स्मॉल एम मास लाइंग ऑन द टेबल
at any instant is small m, and this is m by L into x. This is m by L into x. d by dt is g, वो हमने लिख दिया. अब जरा एक बात देखें, what is dm by dt? पहले तो मैं velocity determine कर सकता हूं, velocity लिख सकता हूं. x length से यह chain गिर गई, x length से गिरने के बाद और ये string गिर गई, x length से गिरने का velocity जो है वो third equation से लिखी जा सकती है, v square equal to u square plus 2s. तो v square is equal to 0 square plus 2g into x. So v square is equal to 2gx, or v is under root 2gx. यह चीज लिखी जा सकती है. अब m small mass m मैंने लिख दिया है, dv by dt मैंने लिख दिया है, velocity मैंने लिख दी है. Since it's in the free fall, तो velocity इस तरह से. अब मैं dm by dt लिखना चाह रहा हूं. dm by dt, dm by dt is d by dt of this m, m by l into x, or this is m by l into dx by dt, but dx by dt is velocity, so m by capital M by L into dx by dt is velocity. X is the distance at fault and dx by dt is the velocity. Or velocity ki jagah main likh sakta hu m by L into under root 2 gx. Is tarah se maine dm by dt likh diya. जरा ध्यान से देखिए, यह मास ऑफ मास लाइंग ऑन द टेबल, इट्स अ वेरिएबल मास. यह मैंने वेलोसिटी डिटरमाइन करी, और यह मैंने मास वेरिएशन डिटरमाइन करा, और अब मैं फोर्स के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं. फोर्स इज इक्वल टू मास की जगह पर m बाय l इनटू x, d बाय dt की जगह पर g, प्लस वेलोसिटी की जगह पर अंडर रूट 2gx, dm बाय dt की जगह पर m बाय l इनटू अंडर रूट 2gx. तो यह जो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन दिखने लगा, एम जी एक्स बाय एल, यह पहला टर्म, और 2 एम जी एक्स अपॉन एल, और दिस फोर्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एम जी एक्स अपॉन एल, और दिस 4 टाइम मास लाइंग ऑन द टेबल इज mgx by l, or it's 3 times mg. यही चीज हमें प्रूव करना थी. जो बात हमें प्रूव करना थी, show that at any instant during the falling of a string, the total force on the surface is 3 times the weight of the part of the string lying on the surface. This is the weight of the part of the string lying on the surface, and at any time force is 3 times of this. यही हमें प्रूव करना थी, हमने प्रूव कर दिया है. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें.
Now, let's continue. मैंने PFP के जो doubts आपने पूछे हैं सॉल्व करवा दिया. अब exercise on Newton's laws of motion and friction. अब इस सेक्शन में जो मैं देख रहा हूँ हल्के से हायर लेवल के प्रॉब्लम्स चालू हुए हैं और इनफैक्ट अल्टीमेट लेवल के प्रॉब्लम्स है. यह प्रॉब्लम्स यदि आप करने लायक हो जाते हो, इस सेक्शन के सारे सारे प्रॉब्लम्स कर लेते हो, तो IIT JEE में आने वाले किसी भी तरह के सवाल को आप जरूर करोगे. सेकेंड प्रॉब्लम में मुझको एक फिगर बना हुआ दिख रहा है. मैं पहले वह फिगर बना देता हूं. इस तरह का एक इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है और यह 37 डिग्रीज का है. थीटा इक्वल टू 37 डिग्रीज. इधर एक ब्लॉक रखा हुआ दिख रहा है मुझे. ब्लॉक ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में वो दिख रहा है और इधर एक पुली. इधर से एक स्ट्रिंग इस तरीके से वर्टिकली डाउन जा रही है. इधर एक पुली, इससे मास बंधा हुआ है और यह एक दूसरी पुली पर इस तरह से ट्रेवल करते हुए इधर मुझे मास रखा हुआ देख रहा है. दिस इज बी एंड दिस इज सी. दिस इज द अरेंजमेंट शोन इन फिगर. पुली आर स्मॉल, लाइट एंड फ्रिक्शनलेस, जो हमेशा होता है. पुली हमेशा लाइट, फ्रिक्शनलेस और मासलेस एज्यूम कर ली जाती है. थ्रेड्स आर इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस थ्रेड्स. थ्रेड भी इनएक्सटेंसिबल मासलेस. मास ऑफ ब्लॉक ए बी सी आर गिवन. दिस इज M1 इक्वल टू 5 kg. M2 इक्वल टू 4 kg एंड M3 इज इक्वल टू 2.5 kg. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर बोथ द प्लेन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. म्यू इज 0.5. कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. अब देखिए, पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय मैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं और फ्री बॉडी डायग्राम सारे सारे बता देता हूं. इस प्रॉब्लम में सबसे पहली स्टेप तो होगी एक्सीलरेशन को असाइन करना, उनको रिलेट करना और उनको इंडिकेट कर देना. सबसे पहले स्टेप. यह काम सही तरीके से कर लिया तो आगे प्रॉब्लम आसान है. देखिए, यह ब्लॉक को नीचे की तरफ जाना है और इस ब्लॉक को भी आगे की तरफ जाना है और यह दोनों ब्लॉक इस स्ट्रिंग से इस तरह से जो बंधे हुए हैं. तो मैं कहता हूं यदि इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन A1 इस तरफ है और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन A2 इस तरफ है, तो यह जो पुली और ब्लॉक सी है यह नीचे की तरफ जाएगा और इसका एक्सीलरेशन होगा A1 प्लस A2 बाय 2. इधर से रस्सी A1 से नीचे आई, इधर से रस्सी A2 से नीचे आई और यह इधर डिवाइड हो जाएगी A1 प्लस A2 बाय 2. यह एक्सीलरेशन इस तरीके से असाइन करके, इन्हें रिलेट करके इस तरह से इंडिकेट यदि सही तरीके से आपने कर दिया तो आप इस प्रॉब्लम को कर लोगे. यही इस प्रॉब्लम में की स्टेप है. यदि इसका एक्सीलरेशन A1 ले लिया मैंने इस तरफ और इसका एक्सीलरेशन A2, तो मैं कहूंगा कि इस ब्लॉक सी का एक्सीलरेशन होगा A1 प्लस A2 बाय 2. अब इसके बाद आगे प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है. हम 3 फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे. एक तो इंक्लाइन प्लेन पर बनाया गया यह फ्री बॉडी डायग्राम, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यह ए, यह बी और यह सी. यह 3 फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे. मैं इसी समय इसका एक्सीलरेशन A1 इंडिकेट करता हूं, इसका एक्सीलरेशन
A2 इंडिकेट करता हूं और इसका एक्सीलरेशन A1 प्लस A2 बाय 2 इंडिकेट करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर होगा, टेंशन T और ग्रेविटेशनल फोर्स mg और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ म्यू इनटू N1। यह एक्सटर्नल फोर्सेस सारी इंडिकेट कर दी, इधर मैं एक्सटर्नल फोर्सेस इंडिकेट कर देता हूं, T टेंशन इस तरफ m2 इनटू g n2 और इधर फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू N2 और इधर मैं इंडिकेट कर देता हूं टेंशन टी इधर M3 इंटू जी। दिस आर ऑल द फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें इधर मुझको कोई रिजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, इधर भी कोई रिजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इधर हमें रिजोल्व करने की आवश्यकता जरूर है। mg को हम रिजोल्व करके लिख देंगे, दिस इज mg cos theta and here we'll have mg sin theta। और अब इक्वेशंस जरूर बना सकते हैं, क्यों ना मैं इक्वेशंस भी इसकी इधर ही बना के लिख दूं, n1 इज इक्वल टू mg cos theta और दूसरी इक्वेशन लिखूंगा, यह तो पहली इक्वेशन हो गई और दूसरी इक्वेशन लिखूंगा टी प्लस एमजी साइन थीटा माइनस म्यू इनटू N1 टी प्लस एमजी साइन थीटा माइनस म्यू इनटू N1 इज इक्वल टू M1A1। यह दोनों इक्वेशन इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हुई। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इक्वेशन लिख देता हूं, N2 इज इक्वल टू M2G और T माइनस म्यू N2 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। यह इक्वेशन इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हुई। और अब इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए फाइनली लास्ट इक्वेशन लिख देता हूं, M3G माइनस 2T इज इक्वल टू M3 इंटू A1 प्लस A2 बाय 2। दिस इज द इक्वेशन रिटर्न फॉर दिस इक्वेशन। अब आप देख लीजिए, इधर N1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इधर N2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इस तरीके से वहां पर फाइनली तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल बचेंगे, A1 के लिए सॉल्व हो जाएगा, A2 के लिए सॉल्व हो जाएगा, लास्टली A1 प्लस A2 बाय 2 इन इसके लिए सॉल्व हो जाएगा। इतने सारे थ्री एक्सीलरेशन और चाहे तो हम टेंशन T के लिए भी सॉल्व करके जरूर लिख सकते हैं। इस तरीके से पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आंसर लाकर चेक करें। मैंने सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले एक्सीलरेशन को इंडिकेट करा और रिलेट करा, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए, फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस सारी इंडिकेट कर दी, जहां आवश्यक था उन्हें रिजॉल्व कर दिया और इक्वेशन बना दी। सॉल्व करके आप आंसर लाकर वेरीफाई जरूर करके देख लें, 8th प्रॉब्लम करेंगे।
Now let's move on to eighth problem. Figure. साथ में दिया हुआ है उसको बना लेता हूं मैं पहले इस तरीके से मुझे एक ब्लॉक एक बॉडी ये दिख रही है इधर एक पुली बंधी हुई इधर से यह ब्लॉक बी और इधर यह स्ट्रिंग A 6 kg block B. This is 6 kg block B. Rest on 10 kg bracket A. This is having, this bracket is having 10 kg of mass. Aur yaha kisi horizontal surface par rakha hua dikh raha hai. Coefficient of friction are mu s and mu k between B and A. Here coefficient of friction mu s or mu k. Mu s de rakha hai 0.3 or mu k de rakha hai 0.25 between B and A. And there is no friction in pulley. Pulley mein koi friction nahi hai. Or between bracket and horizontal surface. Here this is frictionless. Determine maximum force F. इसकी maximum value determine करनी है, which may be exerted on the cord if block B is not to slide on bracket A, the corresponding acceleration of the bracket. Block B does not slide over A. अब जरा सोचिए यदि ब्लॉक B A के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा B और A के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है यदि B और A के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो ये पूरा का पूरा सेटअप ही A से एक्सीलरेट करेगा मैं इधर इस बात को ड्रॉ कर देता हूं इफ B डज नॉट स्लाइड ओवर A इन दैट केस This is A, this is pulley, और यह B है, और इस cord को F से ऐसे खींचा जा रहा है, यदि B A के ऊपर slide नहीं करता है, तो इस force की वजह से B A से move करेगा, और bracket भी A acceleration से move करेगा, दोनों ही A acceleration से मूव करना चाहिए इफ बी डस नॉट स्लाइड ओवर ए तो इन दोनों का एक्सीलरेशन ए होना चाहिए बी और ए के बीच में जो भी कुछ फोर्स है दो तरह की फोर्स होगी एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स वहां इंटरनल फोर्स होगी उसे इंडिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस ब्रैकेट और इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही नहीं तो अब मैं कहूंगा इधर जो फोर्स होएगा एम ए प्लस एम बी इंटू जी और एक नॉर्मल रिएक्शन एन और हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू जी और फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू ए और दिस एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन एम ए प्लस एम बी और यह एक्सीलरेशन ए हमें डिटरमाइन करना है अब मैं सिर्फ इस बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं सिर्फ इस बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं और इस पर
this is B. जरा सोचिए, एक तो B A acceleration से इस तरफ move कर रहा है, इस string में force F है, string massless है, uniform है, तो इस string की वजह से B पर इस तरफ force लगेगा, और MB into G normal reaction n dash, और यह जो A है, जब B इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो A इस तरफ bracket A इस तरफ frictional force लगाएगा, और वहाँ frictional force होएगा mu s into n dash, mu s हम इस्तेमाल करेंगे, mu s coefficient of static friction क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि B A के ऊपर static है, पूरा system भले ही move कर रहा है, but there is no relative motion between A and B, तो static coefficient of friction इस्तेमाल होगा इधर, यह free body diagram B के लिए. और अब इधर मैं इक्वेशन लिख देता हूं. इक्वेशन में सबसे पहले लिखूंगा n dash equal to mb into g. एक तो यह इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन जो मैं लिखूंगा, दैट इक्वेशन वुड बी, यह एक्सीलरेट फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से करेगा म्यू एस इंटू एन डैश माइनस एफ इज इक्वल टू mb into a. यह एक्सीलरेशन b का इस तरह से होएगा. अब मैं क्या करता हूं, फोर्स f की जगह पर यह एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर ही देता हूं, और n डैश की जगह पर यह म्यू एस इन टू एम बी इन टू जी माइनस एफ की जगह पर एम ए प्लस एम बी इन टू ए इज इक्वल टू एम बी इन टू ए. अब ए की टर्म्स कलेक्ट कर लेता हूं, और एक्सीलरेशन के लिए मुझे एक्सप्रेशन दिखने लगेगा दैट एक्सीलरेशन इज म्यू एस इन टू एम बी इन टू जी अपॉन एम ए प्लस टू टाइम्स एम बी. द एक्सीलरेशन और फोर्स के लिए अब मैं लिख देता हूं, द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स वुड बी इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इन टू एक्सीलरेशन. सो म्यू एस इन टू एम बी इन टू एम ए प्लस एम बी इन टू जी होल अपॉन एम ए प्लस टू टाइम्स एम बी. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, द मैक्सिमम फोर्स सच दैट बी डस नॉट स्लिप्स ओवर ए. सिचुएशन, सिचुएशन के लिए कंडीशन ध्यान रहे, काइनेटिक फ्रिक्शन किसी काम का डेटा नहीं है. B does not slide की यह कंडीशन, इस तरह से यह इक्वेशन फाइनली सॉल्व करने के तरीके को बड़े ध्यान से देखें, इक्वेशन कैसे बनाइए. 8th प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बाद अब हम 14th प्रॉब्लम सीखेंगे कैसे करना है, इसे नोट कीजिए.